Mukesh Pandey. I am Senior Consultant Neurosurgeon at Sarvodaya Hospital, Hyderabad. आज हम लोग ब्रेन ट्यूमर के बारे में कुछ बातें करेंगे. विशेष तौर पे ब्रेन ट्यूमर से संबंधित जो भ्रांतियाँ समाज में फैली हुई हैं, द मिसकंसेप्ट, द स्केयर ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स. ऑफकोर्स ब्रेन ट्यूमर के बारे में मालूम चले किसी को कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है तो इट्स वेरी स्केयरी, बहुत बड़ी डायग्नोसिस होती है और आदमी को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया. नहीं, ऐसा नहीं है. ब्रेन ट्यूमर बहुत तरह के होते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स प्रेजेंट कर सकते हैं. कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण जिनसे हमें सजेशन आता है कि हाँ, हमें ब्रेन ट्यूमर की संभावना हो सकती है. सबसे बड़ा लक्षण है सर दर्द. सबसे पहला प्रेजेंटेशन ब्रेन ट्यूमर का सर दर्द होता है. लेकिन अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो सर दर्द वाले लोगों में, जिनको, जिन मरीजों को सर दर्द है, उनमें से शायद 1% में भी ब्रेन ट्यूमर नहीं निकलेगा. तो सर दर्द के साथ कुछ संबंधित लक्षण होते हैं जिनके साथ में हमें ब्रेन ट्यूमर का एहसास होना चाहिए. सर दर्द जो काफ़ी दिनों से आ रहा हो और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा हो, सर दर्द जिसके साथ में हमेशा उल्टियाँ होने की संभावना रहती है, जी मिचलाता हो, तथा अगर साथ में किसी एक हिस्से की कमजोरी भी उसमें अगर जुट जाती है कि बाई या दाई तरफ की कमजोरी या सुन्नपन, इन तीन लक्षणों का कॉम्बिनेशन बनने के साथ में वी शुड ऑलवेज गो एंड सी अ स्पेशलिस्ट. ब्रेन ट्यूमर चार तरह के मुख्य रूप से बांटा गया है, 1, 2, 3, 4. देयर इज नो स्टेजिंग, देयर इज जस्ट टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर किस तरह का है. तो हजारों तरह के ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं लेकिन चार कैटेगरीज में उनको बांटा जाता है. एक नंबर के ट्यूमर जिनको ग्रेड 1 बोलते हैं, उनका ऑपरेशन हो जाए वो पूर्णतया खत्म हो जाते हैं शरीर से. 2 नंबर ट्यूमर ग्रेड 2 जिन्हें बोलते हैं, उनको अगर पूरी तरह से निकाल दिया जाए तो वो भी लगभग खत्म हो जाते हैं या बहुत लंबे समय के बाद में उनके वापस आने की संभावना होती है. जिनसे डरना चाहिए वो है ग्रेड 3 और ग्रेड 4 ट्यूमर्स, यानी कि ग्रेड 3 ग्लायोमा एंड ग्रेड 4 ग्लायोब्लास्टोमा. ये ट्यूमर्स हमें निश्चित रूप से परेशान करते हैं, पर फिर भी इनका भी इलाज आज की तारीख में पॉसिबल है. जो पुराने समय में हम ब्रेन ट्यूमर्स के ऑपरेशन से डरा करते थे, आज विज्ञान, मेडिकल साइंस इतनी प्रगति कर चुका है कि हम बिना ऑपरेशन के छोटे से चीरे से भी ब्रेन ट्यूमर्स का ऑपरेशन कर सकते हैं. ब्रेन के सेंटर से हम नाक के द्वार रास्ते जाके ब्रेन ट्यूमर्स को निकाल सकते हैं. तो अब मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है और जो कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना पहले हुआ करती थी कि ब्रेन ट्यूमर का या ब्रेन का ऑपरेशन होगा तो एक तरफ की फले जाने की लाजमी है कि आ ही जाएगी, वो सब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं. सारे ऑपरेशंस कंप्यूटराइज मशीनों द्वारा, माइक्रोस्कोप के अंदर देख के, बहुत बहुत चीज़ें एडवांस हो चुकी हैं. तो मेरी लोगों से यही अपील है कि सर दर्द जिसके साथ में ये 3 लक्षण मैंने बताया, अगर वो चलते रहते हैं तो निश्चित रूप से एक न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन से मुलाकात करें आप. और अगर ब्रेन ट्यूमर जैसी कोई चीज़ निकल के भी आती है तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है. मेडिकल साइंस इस चीज़ से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है.